वहां पर कितना लोग आता जाता होगा। उसे ही कहते एक रंडी एक बेसिया। शायद तुम्हारी माँ रंडी और एक बेसिया है, जो कि तुमको अपने पिताजी का नाम नहीं बताया। तुम ऐसा एक नाजायज औलाद हो। मंत्री जी, ये भगवान कहाँ रहता है? बगले में ये भिंडी के तुम जुनागर, ये देखो अपना पिताजी का नाम नहीं जानता है, एक नाजायज औलाद है। हे माता श्री, एक राज माता होकर नारी के खिलाफ करना नारी का धर्म नहीं है। मैं नारी का खिलाफ नहीं करती हूँ। आप तो राज माता हैं, मेरी देवी जैसी माँ को कितने कुछ शब्द कह दिए आज संसार, और ये क्या करेंगे? अरे हरमजादा, समझा नहीं? जी समझ गए रानी मां। ये अपना पिताजी का नाम नहीं जानता है। मयो बाबू नहीं कीजिए बाबू, मयो बाबू इसी बात इसी टाइम तुम हरिया जलाद को बुला, इनको मैं जान से मरवा दूंगी। ना बांस रहेगा ना बांसुरी। ठीक है महारानी जी, अभी मैं हरिया जलाद को आवाज लगाता हूँ। आए खुना देख लियो उन बड़का बाबू, 12 बजे रात में पुलवा करो। ऐ नो लंबा हट्ठे कट्ठे जला दबा हो। ऐ ना रोज बगलों 3-4 को बच्चा खाए। वाह वाह वाह, आवाज लग बैठे जला दबा। इस घोर जंगल में हरिया चलना है। पहले तो मैं बताओ कि तुम मुझे किस लिए बुलाए हो? जी हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं जलाद बाबू? ये पहले महारानी जी से सीधा मिल गया। ठीक है, मेरा प्रणाम पुकारो। आयुष्मान भव, बताइए मुझे आप किस लिए बुलाए हैं? आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका भोजन क्या सब है? भोजन भोजन 70 बोतल दारू और 90 भाईसा, ये मेरा डेली का नाश्ता है। 70 बोतल दारू और 90 भाईसा, ये डेली का नाश्ता है। ये पहले बताइए ये पेट है कि 10 कट्ठा है? उतना भोजन नहीं खिला सकेंगे, हल्का भोजन बताइए। हल्का जी, हल्का हल्का जी, हल्का। इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से खेचा खेचा। 25 बच्चा चाहिए। ओ 25 बच्चा चाहिए। 5 5 10 5 15, 5 मिनट खाली गोद में 20 और 25। जाइए जाइए, भाग 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 भूर 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 भूर। अरे छोड़वा पादले पादले भाग भाग जल्दी जल्दी।
बताइए मुझे आप किस लिए बुलाए हैं? ये बताइए कि आप एक आदमी हत्या करने में कितना रुपया लेते हैं? 50,000। मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगी, ठीक है, लेकिन मेरा काम टाइम टेबल होना चाहिए। मैं आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ और 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए और 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होना, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। वही लड़का है ये। ये नहीं है, उठो, बोलने का तमीज, जाओ उधर, बताइए। यही लड़का है, इनको जान से मार देना है और मुझे कोढ़ा और कलेजी चाहिए। ठीक है महारानी जी, आप इनको मेरे हाथ हवाले कीजिए, आपको कोढ़ा और कलेजा मिल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं हवेली से ब्रेकफास्ट करके आ रही हूँ। ठीक है, चल बोल, ऐसा तुमने कौन सा गलती किया था जो जल्लाद के हाथ में आना पड़ा? मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मुझे सजाए मौत मिला है। नहीं जल्लाद बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़ दीजिए। अरे तुम छोड़ने की बात कर रहे हो? इस जंगल में आज तक जो भी आया है कभी जिंदा और जीवित नहीं गया, फिर तुम कैसे जाएगा राय? तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री बाबू, आप मुझे कुछ मदद कीजिए। कुछ मदद? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जल्लाद बाबू के हाथ से कैसे बचूंगा। बाबू से पूछते हैं बचने के लिए। पूछिए जल्लाद बाबू। हाँ, मिलेगा जी, मिलेगा दारू पानी, दारू पानी के लिए मिलेगा। हाँ, इधर सुनिए ना, इस बच्चे को छोड़ दीजिए, आपको दारू पानी के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 5 मिनट का मोहलत देता हूँ, अगर जाइए 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो समझो राम नाम सत्य है। कम से कम 501 रुपया चाहिए। 501 रुपया? कहीं इतना कम भाई है? और हमारे लड़का कुर्सी अब बैठ जाएंगे। चलिए जल्लाद बाबू को भी कुर्सी। लग गया। हे भगवान, मंत्री बाबू, हे भगवान, आपको जल्लाद बाबू से कैसे बात करना है? थोड़ा सा भी आपको तमीज नहीं है? जल्लाद बाबू कमी कमी नहीं। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्लाद बाबू आज मुझे जिंदा मार देंगे, इसलिए मैं बचने के लिए चाहता हूँ। आप मुझे मदद कीजिए। 551 रुपया जल्लाद बाबू ने मांगा है, मैं अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, प्राण बचाने के लिए मैं इस समाज में जाऊंगा। यहाँ के बाबू भैया माता बहनों बहुत दयालु है, हमें 10-5 रुपया से मदद करेंगे, जल्लाद के हाथ से मेरा प्राण बच जाएगा। जी जी जी। हाँ जल्लाद मंत्री बाबू, आप हमको कोई मदद नहीं कर सकते हैं, हमको बचा लीजिए। नहीं नहीं, हमें की करियो, तोरो बदला हमें मरी जियो। आप ही भगवान, अगर मेरे बदले में आप मर जाएंगे, मैं छठ माँ को जोरा नारियल चढ़ाएंगे। छठ
छोड़वा के सोच तक कहां तक छे हे ना ना एकरा बचा लिए हमें मरी जिए हां हमरो बहु देख भाग भई करबे वो तो भगवान देख सुन करेगा एगो गमछा लाइए हम जाएंगे और जब तक मैं लौट कर वापस नहीं आएंगे जल्लाद बाबू को भगवान समझकर इनके चरणों का सेवा करते रहना जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे तब तक जल्लाद बाबू को सेवा कीजिए ओ बाबू भगे मैयो क्या हुआ कहीं तो ना ये ना कहीं भिक्षा मांगले मांगले अकबरपुर ने चली जिए आप ऐसी बातें करते हैं जाइए तब धनरो जाने जाना जाए आपको कुछ नहीं होगा आप जल्लाद बाबू के शरण में चले जाइए मुक्ति मिलेगा कहीं हम मरी के लिए हां हमरो बहु विधवा बाई आपके परिवार में कोई कलंक नहीं लगेगा नहीं लगेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा ठीक है फिर जाइए जाइए जल्लाद बाबू के शरण में हे माता बहनों बाबू भैया आप सोच में प्रार्थना करता हूं आज मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ गया हूं भगवान की कृपा से सभी माता बहनों बाबू भैया इस समाज में अपनी झोली बिखार कर मैं भिक्षा मांगता हूं कि 10 रुपया 5 रुपया से मदद करेंगे तो मैं जल्लाद के हाथ से मेरा प्राण बच जाएंगे आप सबों के चरणों में जा रहा हूं आप सब हमें जरूर मदद करेंगे कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार बच्चों के किलकारी से अरे गूंजे घर और द्वार औलाद वालों फूल फलों तुम्हारा
आप है श्री धीरे धीरे विजय मंडल, आप है बाबू श्री विजय मंडल, बड़े उदार हृदय से रुपये का दान दिया है, मैं सदा आभारी हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे जिसने मुझको उपकार करे, भगवान तुम्हारा भला करे जिसने मुझको उपकार करे, भलाई के बदले देखिए जल्लाद बाबू कितने पैसे, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, साला खाने के लिए आया है, ओ खाली के लिए आया है, तेरा बाबा देख रहा था कि नहीं, अरे बिलाय, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो पैसे लेकर हम इसका जान बाँट देंगे, लाओ पैसे, ठीक है जलाल बाबू, हेलो, आप इस पैसे को स्वीकार करें और हमें जलाल के हाथों से छोड़ दो, बचाने का कृपा करें। आहो या जो देना आलिया बाजल कि पैसे देकर हमारे जान को बख्श देगा, अरे अरे पैसा लेने का काम मेरा है और हत्या भी करने का काम मेरा ही है। ई जगत बा बुझबै छ लॉकडाउन जथन किया, ए